नमस्कार, सेव विलेज एंड बी सेव ग्रीनरी। श्री बीएल पटेल सर्व विद्या मंदिर रानकुवा, तहसील चिखली, जिला नवसारी, गुजरात राज्य पेश करता है विजुअल। पटेल से आत्मनि सर्वे श्री बी एल पटेल सर्व विद्या मंदिर रानकुआ अग्रह साइंस में पढ़ती हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने हमारे जैसे विकलांग बच्चों को दिव्यांग नाम देकर समाज में हमारा कद बढ़ाया है। रौनिक कुमार मनोज भाई श्री बी एल पटेल सर्व विद्या मंदिर रानकुआ में कक्षा 10 में अभ्यास करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे जैसे कई विकलांग बालकों को दिव्यांग विकलांग बच्चों को दिव्यांग नाम देके समाज में हमारा कद बढ़ाया है। और उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने नवसारी जिले में गुजरात गौरव दिन के अवसर पर पाठशाला के छात्राओं द्वारा वनस्पति से बनाई गई काष्ठकृति चित्रकला देखने के लिए वो बधा रहे थे। उन्होंने सूचन किया कि ग्राम्य विस्तार के छात्रों में छुपी ऐसी कलात्मक सृजनशीलता को आर्थिक उपार्जन के साथ क्यों न जोड़ा दिया जाए, एक साथ 3 लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ, लुप्त होने वाली काष्ठ कला पुनः जीवित हो सकती है। दूसरा लाभ, वनवासी मजदूरों को रोजगारी मिल सकती है। तीसरा लाभ, ये सुंदर हरियाला इलाका जो कॉकरेट के जंगलों से बच सकता है। जी हाँ, उस दिन से पाठशाला के दिव्यांग छात्रों को सृजनात्मक प्रवृत्ति के माध्यम से स्वनिर्भरता, सम्मान, कुछ कर दिखाने का हौसला और दिल की गहराई से आत्मसम्मान प्राप्त हुआ। स्कूल के चित्रकला शिक्षक श्री पंकज भाई एस पटेल के मार्गदर्शन से स्कूल की आर्ट गैलरी में छात्रों द्वारा तैयार की जाने वाली कृतियां रखी जाती है। गुजरात फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी द्वारा इस कृतियों को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूल के अंदर कृति प्रदर्शन देखने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर आर्ट गैलरी की अक्सर मुलाकात लेते हैं। गांव बढ़े तो देश बढ़े, महात्मा गांधी जी का ये विचार था कि गांव बढ़े तो देश बढ़े। हाँ, ये दिव्यांग बालक हैं जो कृतियां तैयार कर रहे हैं कि जिंदगी तुमने युद्ध बनाकर दी तो क्या, हार मानकर हथियार डाल दूंगी। जिंदगी तुमने युद्ध बनाकर दी तो क्या, हार मानकर हथियार डाल दूंगी। मैं तो वीरांगना हूं, डटकर जीत हासिल कर दूंगी। ये दिव्यांग बच्चे हैं, इन बच्चों को स्कूल के माध्यम से दिव्यांग छात्रों के साथ गांव के हस्तकला और काष्ठ कला के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ विशिष्ट तालीम दी जाती है। इस प्रवृत्ति के माध्यम से दिव्यांग छात्रों को आर्थिक निर्भरता निश्चित हो सकती है। गांव के इस बच्चों को, इस छात्रों को इस प्रोजेक्ट के मुख्य रूप से हमने हिस्सेदार बनाए हैं, क्योंकि कि जिंदगी तूने रेत बनाकर दी तो क्या, इसे मुट्ठी से फिसलने दूंगी, मैं अपने आंसुओं से गूंद कर गागर बनाऊंगी और खुशियों से ऊंचे भर दूंगी। कि जिंदगी तुमने युद्ध बना कर दी तो क्या, हर बार हथियार डाल दूंगी, मैं तो वीरांगना हूं, डट कर जीत हासिल कर दूंगी।
ग्राम इलाके के छात्रों द्वारा स्कूल समय के बाद और छुट्टी के दिनों में अपने माता पिता द्वारा इन वनस्पति के लकड़े को घर के अंदर संग्रह किया जाता है। बाद में समय आने पर इन छात्रों द्वारा काष्ठकृति सुशोभन के तरह तरह के चीज वस्तु जैसे कि छाजली, बास्केट, फूलदानी, धान्य को भरने की कोठी आदि चीजें बनाई जाती है। ये बच्चे अपने दिल की गहराई से ये चीज काष्ठकृतियां बनाते हैं। इनकी रगों में, इनकी खूनों में, खून में ये काष्ठ कला मौजूद होती है। स्कूल के माध्यम से हमारे इलाके में आए कई टूरिस्ट स्थान जहाँ एक काष्ठकृति लोगों को दिखाने के लिए ये बच्चे रखते हैं। पाठशाला के दिव्यांग छात्रों को सृजनात्मक प्रवृत्ति के माध्यम से स्वनिर्भरता, सम्मान, कुछ कर दिखाने का हौसला और दिल की गहराई से आत्मसम्मान प्राप्त करने की एक जबरदस्त काष्ठ कला द्वारा उनके मन में समाज के अन्य छात्रों के साथ झील मिलकर अपनी जिंदगी खूब जीने का एक हौसला दिखाई देता है। ये केवल काष्ठ कला नहीं है, ये केवल विजुअल आर्ट नहीं है, अपने आप में एक ऐसी कला है जिसे छात्र द्वारा पढ़ाई के साथ साथ ये की जाती है। ये सृजनात्मक टूरिज्म के साथ इसका जोड़ान हो सकता है। एक ऐसी काष्ठ कला है जिससे ट्राइबल विस्तार के वनवासी बच्चे अपनी रोजगारी प्राप्त कर सकते हैं। माननीय वड़ाप्रधान नरेंद्र मोदी जी के कहने के अनुसार स्कूल के माध्यम से हमारे इलाके में आए हुए टूरिस्ट स्थान जैसे कि सापुतारा, उनाई, धर्मपुर जैसे स्थानों में इन कलाकृति शहर के लोगों के लिए आकर्षित का केंद्र बनती है। इनसे ग्रामीण रोजगारी प्राप्त हो सकती है। हाँ, पहले मैंने कहा था एक सुंदर हरियाला इलाका है जिसके कॉन्क्रीट जंगलों से बचाने के लिए भी विजुअल आर्ट जरूरी है। ये सुंदर हरियाला वन को बचाने के लिए भी विजुअल आर्ट अत्यंत जरूरी है। जिंदगी तूने लंगड़ी बनाकर दी तो क्या इसे मैं कुर्सी से फिसकने दूंगी, मैं तो हिम्मत हूं फिर से उठूंगी और बिन सहारे जी लूंगी। जिंदगी तूने युद्ध बनाकर दी तो क्या हार मानकर हथियार डाल दूंगी। पाठशाला के दिव्यांग छात्रों के द्वारा बनाई गई ये कृति पेश करते हुए हम अत्यंत आनंद और गर्व की लागणी अनुभवते हैं। ये पूरा साउथ गुजरात का हरियाला प्रदेश है। ये हरियाला प्रदेश अगर इसको बचाना है तो ग्रामीण छात्रों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, ग्रामीण छात्रों की ये जो कला है उसे उत्तेजना देना पड़ेगा। वर्तमान समय में इसकी जरूरत है। इन बच्चों को स्कूल के माध्यम से जंगल विस्तार से लाई हुई लकड़ियों से बनाई गई काष्ठकृति सुशोभन के छाजली, बास्केट, फूलदानी, धानों के साथ कह सकते हैं हम गर्व अनुभवते हैं कि विजुअल आर्ट पेश करते हुए हमें अच्छा महसूस हो रहा है। जय जय गरवी गुजरात।